इस तमिल मूवी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। ये मूवी तमिल भाषा, तमिल धरती और तमिल संस्कृति को प्यार करने वाले लोगों को समर्पित है। कितने फुट खोदा है तुमने? 3 फीट। तुमने 5 फुट क्यों नहीं खोदा? तम्बी ने कहा इतना ही काफी है। ठीक है, चलो इसे जल्दी से गाड़ देते हैं। तम्बी। हाँ। क्या देख रहे हो? उठाओ उठाओ, टाइम नहीं है। ठीक से उठाओ, चलो उधर। धीरे चलो, सीधे चलो, सीधे सीधे चलो, इस तरह। धीरे चलो, सीधे चलो, सीधे चलो, इस तरह। रख दो रख दो, हाँ रख दो। अशोक नहीं, रख दो। तुमने कुत्ते कहाँ बांधा है? आप पीछे की तरफ। उसे यहाँ मत बांधो, पहले मैं करूंगा। यार गेस्ट हाउस ले जाना और वहीं बांधना। ये भौंके और लोगों का ध्यान वहीं तरफ आ जाएगा। इसे यहाँ मत छोड़ना, पहले से आराम में वहाँ छोड़ दे। चलो इसे भरो, इसे खींचो खींचो। अशोक ये औजार लो, भरो भरो, जल्दी करो जल्दी करो। एक भरो जल्दी से, भरो। Thank you.
इधर से इधर से इधर से हाँ यही मैं से निपटा रहा हूँ उधर से भी रखो अरे उधर से रखो क्या कर रहे हो यार उधर से भी करो ठीक है धर दो हो गया अशोक ये औजार लो और जाओ ओके तब भी ले लो तुम लोग जाओ मैं इसे निपटा कर आता हूँ आओ तुम भी हेलो संजय सर हेलो कौन बोल रहे हैं इंस्पेक्टर पिचाई बोल रहा हूँ मैं हाँ बोलिए सर मैं वो लाश मुर्दाघर से नहीं ला सका जिसका आपने कत्ल किया था हाँ वो और पैसा मांग रहा है क्या मैं दे दूँ नहीं नहीं क्यों सर मैंने निपटा दिया है वाकई हाँ और कोई बात आपने कोई सबूत तो नहीं छोड़ा सर हमारी तरफ से कोई और सबूत एक बाकी है कोई सबूत नहीं रहना चाहिए सर नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी टेक केयर सर मैं ध्यान रखूंगा मैं मिटा दूंगा जल्दी मिटाएं सर मैं वो बच्चे का लफड़ा मिटाकर आपको फोन करता हूं ओके सर निपटा कर फोन कीजिए ओके सर मुझे दे दो मैं धो देता हूँ नहीं नहीं मैं कर लूंगा हाँ सर काम तो ठीक से हो गया मेरा पैसा मिल जाता तो चला जाता इससे तो बहुत जल्दी हो रही है जाने की तुम्हें पता है ना हमने लाश को मुर्दा घर से लाने में कितनी मेहनत की है हाँ, हाँ। हम सब यहाँ तीन रात से इसे ठिकाने लगाने पर जुटे हैं जी। पर तुमने बहुत मेहनत की है तुम्हारी वजह से ही ये काम हो पाया तो अभी हमारे साथ रहो थोड़ी मस्ती करो फिर चले जाना हमें बहुत अच्छा लगेगा थोड़ा आराम करो फिर चले जाना ए अशोक जी इसको अंदर ले जाओ बहुत सारी दारू मिलेगी सुट्टा मस्ती मस्ती चल
मैं हूँ जॉन, तिरुनेलवेली से। जॉन, आपने मुझे डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट के लिए बोला था, मैंने आपसे दवाई खरीदी थी। हेलो, मैंने तुम्हें कल आने का अपॉइंटमेंट दिया था, तुम आज आ गए? हाँ, कल सुबह आना। आज क्यों आया? लगता है इसका टाइम ठीक नहीं है। क्या मिस्टर मथुकरपन, आप गुस्से में क्यों लग रहे हैं? वल्ला जामी, क्या ठीक हो? क्या हुआ, चौक गए? यार मैं तुम लोगों का असली नाम कैसे जानता हूँ? सिर्फ यही नहीं, मुझे तुम्हारी जन्म कुंडली भी पता। तुम पुन्नियल गुल्लम में पैदा हुए, वहीं की सरकारी स्कूल में 12वीं के बाद कॉलेज में BSc करके तुम चेन्नई आ गए, और इतना ही नहीं, कुत्ते की तरह दौड़ते हुए बस मामूली सी नौकरी, महीने के 30 दिन 2400 घंटे काम और तनख्वाह सिर्फ 4000 महीना। सिर्फ यही नहीं, लेकिन ये कंपनी 10 साल पहले शुरू की और अब 400 करोड़ के मालिक। कैसे, तो समझ गया ना? अब ये कौन है? ये मिस्टर तंबी है। तंबी कौन? ये हॉस्पिटल में काम करते हैं। डॉक्टर है? नहीं। कंपाउंडर? नहीं, फॉरेंसिक साइंस से है, मुर्दाघर में जॉब करते हैं। ओह, तो ये उस डिपार्टमेंट से हैं जो पोस्टमार्टम करके ये पता लगाते हैं कि आखिर कत्ल कैसे हुआ। हेलो, बहुत काम का है, लाश को छुपाने और बाहर निकालने में बहुत काम आएगा। तुम पहुंच गए? अभी पहुंचा हूँ। क्या हुआ? ये तो कांप रहे हैं। ज्यादा टेंशन मत देना। टाइम के साथ टेंशन तो और बढ़ता हुआ लग रहा है। इन्होंने बहुतों को मारकर लाश को अपने ही गार्डन में गाड़ दिया। होशियार रहना, मैं तुम्हें 5 मिनट में फोन करूंगा। ओके? समझ गया। अगर तुम जरा से भी केयरलेस हुए ये तुम्हें मार देंगे, समझे? एकदम चौकन्ने रहना। क्या हुआ, तुम सब ऐसे क्यों लग रहे हो कि अभी किसी को मार कर गाड़ा हो? अब चलें। ये कौन है? ये हमारे गॉडफादर है। गॉडफादर मतलब? इनकी वजह से ही हमने अपने बिजनेस को इतना बढ़ाया है। हाँ? वो कैसे? यही है जिन्होंने हमें सिखाया कि डील कैसे की जाती है। वेट, कौन हो तुम? मैंने बताया ना, जॉन, तिरुनेलवेली से। ये तो तुम पहले भी बता चुके हो, सच बताओ कौन हो तुम? तुम कुलियाना कुलम से हो, उसके पास की जगह का नाम क्या है? केचिलापुरम। वो तो साउथ में, नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में वादमलाईसा मथुरम। उसके आगे नारीजोन हंचपट्टी। ए, वो हमारे बॉस की जगह है। तुम बॉस के कौन हुए? वो हमारे भी गॉडफादर हैं, समझे क्या? क्या सच में कोई शक? सब ठीक है। क्या हुआ जॉन? आपके आदमियों ने मुझे तुरंत पहचान लिया, बस थोड़ा सा डाउट है। आप बात करेंगे? हेलो। हेलो संजय। हाँ बॉस, कहिए। हेलो संजय, हाँ सुनो, ये बहुत ही चालाक और तिगड़मबाज आदमी है, ये हमारे बिजनेस के लिए
एकदम सही बंदा है, इसलिए इससे अच्छे से डील करो। कौन से नंबर के बिजनेस के लिए आपने इसके साथ डील की बात की? तुम इसके साथ 2 नंबर का डील करो। डील नंबर 2 और इसके साथ? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। यही सही बंदा है इसके लिए, कोई और इसके जैसा नहीं कर पाएगा। हम इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, किसी और पर हमें भरोसा नहीं है। ठीक है बॉस। इसके साथ जल्दी से डील खत्म करो और इसे वापस भेजो। मैं डील फिनिश करके आपको फोन करता हूँ बॉस। ठीक है बॉस। ओके सर, क्या मैं वहां पर इंतजार कर लूं? नहीं नहीं तंबी, बैठे रहो। अगर तुम बिजनेस के लिए आए हो तो चेक भी लाए होगे ना? हाँ मैं चेक लाया हूँ। इससे पहले मैंने इस नंबर पर कई बार कॉल किया, 9952881628। ये किसका नंबर है? सर ये मेरा नंबर है। कम से कम 10 मिस कॉल तो होंगे। हाँ है। तुम फोन छोड़कर ऐसा क्या कर रहे थे? अरे बताओ ना। वेट फोन साइलेंट मोड पर था। मैं बताता हूँ ना। वैसे तुम कर क्या रहे थे बताओगे? बताया ना सर, काम कर रहे थे। जॉन, जॉन चेक लाए हो ना? चेक मुझे दे दो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं बॉस का आदमी हूँ, उन्हीं के इलाके से हूँ, फिर भी तुम उनसे चेक मांग रहे हो। जॉन अगर बॉस भी यहाँ पर आते ना तो सबसे पहले वो भी चेक ही लेते, ये हमारी पॉलिसी है। चेक दो। अग्रीमेंट वो क्या है ना कि तुम कल आने वाले थे ना, तो एग्रीमेंट भी कल बनाएंगे। सुनो अगर मैं बॉस के साथ भी डील करता ना तो उनके साथ भी प्रॉपर अग्रीमेंट करता। अगर तुमने चेक लेकर कोई फ्रॉड कर दिया तो अग्रीमेंट दे दो, चेक ले लो, क्या कहते हो? अशोक साथ में मेडिसिंस भी लेते आना। तुमने पहले नहीं बताया कि तुम बॉस को जानते हो? मैं आज ही उनसे मिला था। मुझे अब पता चला कि तुम भी उनके आदमी हो। उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। टॉनिक, ये एग्रीमेंट, टैबलेट। नाइस। ये क्या? ये तो बच्चों के वाइटमिन्स हैं। क्या ये बच्चों के लिए बनाए गए हैं? हाँ सर। टैबलेट, इंजेक्शन, सब कुछ सुपर। वैसे मार्केट में हमारी दवाई कौन सी पोजीशन पर है? दूसरे नंबर पर सर। बहुत बढ़िया, दूसरे नंबर पर। हाँ। तुम सब देखना, बहुत जल्द हमारी दवाई पहले नंबर पर होगी। हमारे देश में अभी बहुत सी बीमारियां हैं जिसका पहला कारण है पॉल्यूशन। हाँ। ना तो सरकार के पास इसका कोई उपाय है और ना ही हम उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इस तरह बीमारियां चलती रहेंगी और हम बीमार पड़ते रहेंगे, तो आने वाले बच्चे भी इन्हीं खतरनाक बीमारियों के साथ पैदा होंगे। अगर गौर से देखें तो बच्चों को विटामिन्स की जरूरत होगी, यहाँ तक कि गरीब से गरीब भी हमारी दवाइयाँ खरीदेगा। उसके साथ डिमांड भी बढ़ती जाएगी और हमारी दवाइयाँ नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएंगी। मुझे पूरा यकीन है कि हम बड़ा मुनाफा कमाएंगे। ये एकदम सही और
सटीक बिजनेस है हिंदुस्तान में, सारा बाजार हमारा होगा, तुम देख लेना। हाँ सर, आप बिल्कुल सही कहते हैं, असल में यही एक धंधा है जिस पर कंट्रोल नहीं है। ये ब्रांडी देखें, सबको पता है कि नुकसानदायक है, सरकार इस पर अपना होलोग्राम लगाकर देती है, इससे लोगों को आसानी से पता चल जाता है कि नकली कौन सी और असली कौन सी है। अब ये दवाई देखिए, ये बच्चों की दवाई है, इस पर सरकार का कोई होलोग्राम नहीं है। दरअसल मैं भी नौकरी छोड़कर इसी धंधे में आना चाहता हूँ, अब इसमें बहुत पैसा है और हम लोगों को आसानी से चीट कर सकते हैं। सर, क्या आप मुझे किसी एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं? हे तंबी, ये तुम क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? क्या हुआ सर? अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे तो ये सरकार सुन लेगी और इसे अपने हाथ में लेकर खुद दवा बनाने लग जाएगी, और अगर एक बार ये दवाएं सरकार के पास चली गई तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। क्यों, तुम्हें नहीं लगता अगर किसी और को पता चला तो वो स्कूल कॉलेज का धंधा छोड़कर सब हमारे धंधे में ही शामिल हो जाएंगे? इसीलिए चुप रहो और शांति से बैठो, अपना काम करो। जॉन, इस पर साइन करो और जल्दी यहाँ से जाओ, फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है। पेन मिलेगा क्या? हाँ सर, ये लीजिए। ये लीजिए सर। तंबी जी, इसका एक छोटा सा वीडियो बना। जॉन, ये क्या कह रहे हो? ये सब क्या है, तुम वीडियो क्यों बना रहे हो? जॉन के साथ कोई चीट नहीं कर सकता, ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है। सेफ्टी के लिए हम एग्रीमेंट बना रहे हैं ना, तो फिर ये सब क्यों? ये एक छोटा सा सबूत है, ठीक है? ठीक से पकड़ो इसे। ये लो आपका 5 लाख का चेक, इस तरफ दिखाओ। ओके, अब इस तरफ दिखाओ, मैं साइन करने जा रहा हूं। ये लो, ये तुम्हारी कॉपी, इसमें साइन करो। थैंक यू सर। ये तुम रखो। मैं यहाँ दवाई की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आया हूँ। आज की तारीख है 7/12/2012 शुक्रवार, और इस दवा के मालिक हैं मिस्टर संजय और मिस्टर अशोक। मोबाइल को थोड़ा उधर घुमाओ ना। ओके, ठीक है, अब इसे मुझे दे दो, वरना लोग समझेंगे कि मैंने कट पेस्ट किया है। थंबी, तुम भी थोड़ा मुस्कुराओ ना प्लीज। जॉन, तुम इसका वीडियो क्यों बना रहे हो? क्योंकि हम सब इस डील में शामिल हैं, सिर्फ ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये विटनेस हो सकता है, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। इसका वीडियो लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये मत बनाओ जॉन, ये जरूरी नहीं है। क्या प्रॉब्लम है जॉन, ये ठीक नहीं है। कोई प्रॉब्लम है? अपना हाथ हटाओ। तंबे, थोड़ा मुस्कुराओ, एक अच्छी सी स्माइल, स्माइल प्लीज। सुपर, बड़े स्मार्ट लग रहे हो, वेरी गुड, थैंक यू। मैं अपनी कॉपी ले रहा हूँ। हेलो, मेरी बीवी कहाँ पे? शिट सर, कोई प्रॉब्लम? ओके, शिट कौन हो तुम? मेरी बीवी कहाँ है? कौन हो तुम? क्या तुम मुझे नहीं जानते? तुमने मुझे मिस कॉल देकर बसंती को बुलाया था, तुम्हें पता है मैं उसका पति हूँ। शिट, हे हे, अभी तुम कहाँ से बोल रहे हो? हाँ, हे, अगर तुम्हारी बीवी खो गई है तो पुलिस में जाकर कंप्लेन करो, मुझे फोन करके क्यों परेशान कर रहे हो? तुमने मेरी बीवी को बहकाया है, वो जरूर तुम्हारे पास है। हे, हे। जरूर उसको बहुत से लोगों ने मिस कॉल दी होगी, कोई उसको भागकर ले गया होगा, उसको ढूंढो।
कॉल करके मेरा दिमाग खराब मत करो। वो एक मासूम लड़की है, उसे दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं पता। ए, तुम उसे मासूम लड़की बताकर बच निकलना हाँ? तुम्हें शादी करने के लिए हमेशा मासूम लड़की चाहिए हाँ? बोलो। लेकिन अगर वो नहीं माने तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज्यादा बकवास मत करो, नहीं तो पता नहीं मैं क्या हाल करूंगा तुम्हारा। क्या करोगे तुम? मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। पहले तुम वही करके दिखाओ, तब मुझसे बात करना। जॉन, तुम यहाँ कैसे? छोड़िए सर, सच्चा प्यार हमेशा लालच से जीतता है। पति अपनी बीवी के आशिक को ढूंढ ही लेगा, ये सब तो होता रहता है। रिलैक्स जॉन, तुम यहाँ क्यों आए? सुसु करके आता हूँ। तो क्या इतने बड़े बंगले में तुम्हें कहीं बाथरूम नहीं मिला? उसमें पानी नहीं आ रहा था ना। पानी नहीं आ रहा था तो ऊपर चले जाते। जो पहली बार आया हो उसे कैसे पता चलेगा कि ऊपर भी बाथरूम है? ए, अशोक वहाँ है, तुम पूछ सकते थे। वो बंदा अभी तक ऊपर से आया ही नहीं है। चलो, वैसे ये जगह मुझे पसंद है, मैं यहाँ सुसु करके आता हूँ। ए, ये गार्डन है, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा, चलो। क्यों नहीं चलेगा? जिसने दूसरे की बीवी को बहकाया हो वो मुझे गार्डन में सुसु करने के लिए रोक रहा है। वाह भैया। जॉन, फालतू की बकवास मत करो, चलो अंदर चलो। सुन रहे हो ये अजीब सी आवाज? ये आवाज कुत्ते की भागने की आवाज है। यहाँ आसपास जरूर कोई बुरी आत्मा है। ए, अपना मुंह बंद करो, गली के आवारा कुत्ते भौंक रहे हैं और तुम्हें बुरी आत्मा दिख रही है। नहीं यार, अगर कुत्ते भौंकते हैं तो जरूर कोई बुरी आत्मा है। सुनो, तुम जब से यहाँ आए हो ऐसी भगी भगी बातें कर रहे हो। गंगा को छुपा रहा है। ये तो तय है कि कोई बंदा मरेगा जरूर। जॉन, इज्जत से ऊपर जाओ और अपना काम खत्म करो हाँ, और जल्दी से वापस आओ। टाइम वेस्ट मत करो, बेवजह शोर मत मचाओ। हो ना हो एक बंदा मरे, कौन होगा पता नहीं, पता नहीं कौन होगा यार। कोई भी हो सकता है। अब मुझे तो शुशु आई है, चलो यार शुशु कर ही लेते हैं। हल्का होने का अलग ही मजा यार। अरे यार, अब जाके शांति मिली आत्मा को। इतने सारे गोंडा, ये जितना कमाते हैं, बादाम पिस्ता खाकर ये सब निकाल भी देते हैं। साफ है कि गंजा और लंबा ये दोनों कुछ ना कुछ छिपा रहे। कहीं इसी चक्कर में वो बिजी तो नहीं थे? इनको तो मैं देख लूंगा। इतना बड़ा बिस्तर, वाह क्या खूबसूरत बिस्तर है यार। सजावट देखो, कलर देखो, क्या मुलायम गद्दा है।
यार साफ भी तो इतना है। इस बिस्तर को देखकर तो सोने का मन कर रहा है यार। जॉन लगा दे छलांग। आज तो अपनी सारी थकान मिटाऊंगा मैं। ब्रा हैं? लैपटॉप, बुक्स, सीडी, ब्रा, कॉन्डम, ये तो खेल ही अलग है भाई साहब। बहुत रोमांटिक लग रहा है यहाँ तो। जॉन आज तो तेरा शिकार यहीं पर मिलेगा। मजा आ जाएगा यार। हाय हाय, आजा 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 आजा। आज करूंगा मैं अपनी मौज की, अपनी मस्ती की सारी भड़ास पूरी। झंग 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 झंग। इस फोन को भी अभी बजना था। हाँ, यस बॉस, यस बॉस। हेलो जॉन, डील पूरी हो गई? हाँ हो गई बॉस। तो जल्दी वहां से निकलो, एक जरूरी काम है। ओके बॉस। तुम अगर तुम मूड में आ जाओ तो तुम भी अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करके लुंगी खोलने लगोगे। अब मैं मूड में हूं, तुम मुझे बुला रहे हो। रुको थोड़ा वेट करो। आहा मेरी जाने मन, जाने जिगर, जाने तमन्ना, आहा आ जा आ। आज मैं तुझसे प्यार करूंगा रात भर, तेरा दीदार करूं। मूड बन चुका है, अब तो यहां रुकना पड़ेगा। यहाँ जाओ, हम यहाँ हैं। माय गॉड, शिट। आओ जॉन, बैठो यहाँ। खत्म हो गया ना? फिर क्या, तुम जाओ, हमें बहुत सारे काम है। क्या बोल रहा, यहाँ से चला जाओ? अभी तो ऊपर सेटअप देखने के बाद जॉन का मूड बन चुका है, अब मैं यहाँ से चला जाऊं हो नहीं सकता। बोल जा। क्या जॉन? हाँ, 5 लाख एडवांस देकर बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो इस खुशी में पार्टी तो होनी चाहिए ना दोस्त। पार्टी मतलब दारू ना, ये लो जितना मर्जी पियो। क्या बात कर रहे हो, 500 में दारू तो कहीं भी मिल जाएगी, मुझे तो कुछ और ही चाहिए दोस्त, समझा करो। कुछ और मतलब? कैसे समझाऊं? समझा नहीं। अरे समझ जा भाई। नहीं समझा। नहीं समझे? अब समझे? नहीं समझा जॉन। ये समझा नहीं या नाटक कर रहा है? तुम्हें करीना कपूर चाहिए? वो तो शादीशुदा है, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी तरह दूसरों की बीवियों पे नहीं मरता। मुझे जो चाहिए ना, वो एकदम सुपर होनी चाहिए, समझे ना? मैं असली तमलियन हूँ। तुम फिर आओगे ना, हम उस समय देखेंगे। जॉन जब तुम अगली बार आओगे तब देखेंगे, अभी कुछ देने का मूड नहीं है, अभी तुम जाओ। समझे नहीं तुम लगता है? बहुत हुआ, ये सही मौका नहीं है जॉन, मैं इज्जत से तुम्हें जाने के लिए बोल रहा हूं। अगर नहीं मानोगे ना तो बॉस। हे तुम पागल हो क्या? तुम क्या करने के लिए बॉस को फोन कर रहे हो? इन सब के लिए तुम बॉस को फोन करोगे? हाँ, क्योंकि जो चाहिए वो चाहिए, चाहे बॉस कहे या कोई और कहे, जो चाहिए वो चाहिए, ये पक्का है, समझे? तुम जानो, जैसे भी करना है करो। अशोक
किसी को आने के लिए बोलो यार। किसको बोलू, उस एरिया में छापा पड़ा है, बड़ी मुसीबत है, अपने आदमियों को बोलो। हेलो हेलो, कितनी चाहिए आज? एक काफी है। तुम कहाँ हो? सर मैं अभी बाहर हूँ, आप प्लीज हमेशा वाली जगह पर आ जाइए। नहीं नहीं, कोई नहीं है वहाँ आने के लिए, तुम छोड़ जाओ और कैश ले जाओ। मैं नहीं आ सकता सर, अगर चाहिए तो आपको आना पड़ेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, कोई नहीं आने के लिए। सुनो सर, मैं जो कह रहा हूँ सर, मैं अभी नहीं आ सकता। प्लीज, लड़की जो अक्सर आती है ना, मैं उसे भेज दूँ ना यार। ओके ओके, उसको बोलो बाहर आकर वहीं खड़ी हो जाए, मैं आता हूँ, मैं 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। तंबी, जी सर, तुम यहीं रुकना, मैं अभी वापस आ रहा हूँ, फिर तुम्हें फ्री कर दूंगा, यहीं रुकना ठीक है? दोस्त परेशान कर रहा है, एक मिनट रुकना। वो क्या है ना कि मेरा टेस्ट थोड़ा सा अलग है, वो जो लड़की है वो मेरी पसंद की होनी चाहिए, दिखने में तृष्णा जैसी होनी चाहिए, अनुष्का जैसी लंबी होनी चाहिए, रंग जो है तमन्ना जैसा गोरा होना चाहिए, यही कोई 16 और 18 के बीच की हो, खास तौर से 16 से ज्यादा और 18 से कम हो, तो तराशा हुआ बदन हो, तो जवान को बहुत मजा आएगा। ओके, माल ही लाना। तो तुम्हें पेट्रोमैक्स लाइट चाहिए? यही समझ लो भाईजान, उसकी तो सील टूटी होगी, वो चलेगी। अगर लाइट पूरी टूटी होगी तो भी चलेगी। ये तो बहुत अखड़ है, पता नहीं जो लड़की आएगी उसके साथ क्या करेगा, ऐसी बिहेव करे जैसे कभी लड़की देखी ना हो। मैं जाने किससे अब जाके शांति मिली, अब डालो तुम भी, ये डालो यार। तंबे, अरे पियो ना यार। नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए। अरे यार, अरे पी लो यार। सर मैं पीता नहीं है। अरे नहीं पीता, अबे इतना शरीफ बनने की कोई जरूरत नहीं, हम सब यहाँ पर एक जैसे हैं। समझा क्या, पीना यार। सर मैं सच में नहीं पीता। शराफत का दिखावा छोड़, चखना खाने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, दारू तो पीनी पड़ेगी। सर बात को समझिए। तंबे पीना यार। अरे सर ये देखिए, मैंने अभी भी दो ठंडे की बोतल पी है, एक और पीने वाला था, तब तक आपने मुझे हॉट ड्रिंक ऑफर कर दी, क्या है सर आप भी। अच्छा तो तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि तुमने बियर की जगह दो मिनरल वाटर पी ली हो, तुम ठंडा ऐसे बता रहे हो मिनरल वाटर को, अरे पागल समझाए क्या? सर मेरे लिए तो ठंडा पानी है ये। जब ये खुद मान रहा है तो फिर ठंडा पानी ही पिएगा ये। चीयर्स। कम ऑन, चीयर्स। 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 मेरा हो गया, मेरा हो गया। और लो ना, और लो। नहीं यार, और नहीं, और नहीं, और लो। देखो टकले को 16 और 18 साल की हसीन लड़की लाने को बोला मैंने, मुझे लड़की को दम भर प्यार करना है, अब मैं टल्ली हो गया तो उसे दम भर प्यार कैसे करूंगा? गौर से सुनो, जिंदगी में हम लड़की के सामने हमेशा शर्मिंदा रहेंगे अगर हमने दम नहीं दिखाया तो, समझे? हेलो, तुम हंस क्यों रहा है, मुझे बता फिर हंसना। पागल है क्या बे? जान जान जान, तुम इस शराब के नशे में कुछ नहीं जानते। जॉन देखो, जब तुम यहाँ आए थे दरवाजे पर तुमने क्या बताया था, तुमने पुलियंगुलुम कहा, तुमने मुथु करुप्पन कहा, तुमने वेलाचामी भी कहा, तुमने हम सबकी जन्म कुंडलियां बताई थी। जिंदगी में अभी ऐसा बहुत कुछ है जिसे तुम्हें अभी जानना बाकी है, तुम इस शराब की जन्म कुंडली नहीं जानते, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? कौन सी? पास आओ मेरे, मेड इन फ्रांस, लैंड ऑफ रोमांस। तुम्हें इस शराब की खासियत पता है? एक छोटा सा ढक्कन जितना पैक तुम लेते हो ना,
24 घंटे तक असर करता है। तुम एक हसीना की बात कर रहे थे ना, अगर 10 हसीना भी आ जाए तो तुम उनको दम दिखा सकते हो। तुम भी ना, तुम पियो या मत पियो, मुझे से क्या। हे जॉन, हे जॉन, क्या तंबी। बढ़िया, सही बोल रहा है तू। मुझे लड़की चाहिए, बता। क्या बताया मैंने इसे? मुझे लगता है इसे ये सब बताना नहीं चाहिए था। आइंदा इसे ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा। सारा पैसा खराब कर दिया। यार एक और पैक बनाना। हाँ हाँ, अभी तो बहुत बाकी है। ये है ना इटालियन जर्मन, पियो पियो, बहुत है। क्या बात है, अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा सुन, वो टकला 50% देगा क्या प्रॉफिट? ओ जॉन, मूड खराब मत करो। अरे जब तक हम टेबल पर बैठे हैं, हमारे साथ हमेशा ये होना चाहिए और उसी मूड में हमें रहना चाहिए, ठीक है ना। बिजनेस के बारे में कोई बात मत करो, हमें बस वही करना है, एंजॉय करना है, प्लीज कोई दूसरी बात नहीं। सुनना, वो टकला वही लड़की लाएगा ना? वो गया है ना यार, उसको आने दो, थोड़ा रुको। अगर वो टकला किसी फालतू लड़की को लेके आया ना, तो उसके सर पे बैठ के मारूंगा मैं। छोड़ो ना यार, पियो ना तुम। देख लेना, ठीक से एंजॉय करो। समझ में नहीं आता सर, इतना टाइम हो गया। वो अरे क्या क्या हुआ सर? वहां देखिए, कोई खड़ा है सर, उधर खंभे के पीछे, उधर देखिए सर। सर हाँ सर, उधर तो कुछ भी नहीं। अबे तुम लोग इधर क्या देख रहे हो? सर ये तो कोई भूत लग रहा है सर। भूत? कहाँ यार? वहीं पर सर। कहाँ? सर गौर से देखिए। वहीं वहीं सर। सर आराम से। क्या यहाँ भूत था? मैंने नहीं देखा था उसे। संभाल के, मुझे बहुत डर लग रहा है। धीरे धीरे जॉन, सब कुछ देखते रहना। Thank you.
डरा दिया तुमने जॉन मुझे, पागल हो गए जॉन तुम। क्या सर, डरा दिया आपने? सर क्या हुआ सर? अरे यार, क्या सर आप भी, क्या मजाक था यार। हे भूत कहाँ है, कहाँ है भूत? इस आदमी ने दो बियर एक साथ पी लिए, इसका टैंक फुल हो गया है, इसलिए बड़बड़ा रहा था। आत्मा और भूत कुछ नहीं होते, जा टैंक खाली करके जा। जा। ए, ये बंदा फॉरेंसिक साइंस में काम करता है, ये झूठ बोल रहा है, ये वहां काम नहीं करता, ये वहां काम नहीं करता, इसने झूठ बोला है। ए, सुन रहे हो तुम मेरी बात? तुम्हें पसीना इतना क्यों आ रहा है? मैं बहुत डर गया था जॉन। तुम्हें भी भूतों से डर लगता है? हाँ जॉन, जॉन सच में डर लगता है? हाँ जॉन। भूत कैसे आते हैं भाई? वो आते हैं, पर कैसे आते हैं? अगर कोई अपनी अधूरी इच्छा से मरता है तो वापस जरूर आता है। किस लिए आते हैं? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। भूत, प्रेत, चुड़ैल, पिशाच, कहाँ है भाई बोलना? अगर भूत होते, पिशाच होते तो हमें 70 नहीं 200 साल पहले आजादी मिल गई होती। कितने लोगों को अंग्रेजों ने मारा, फांसी दी, क्या कोई भी उनमें से वापस आया? नहीं आया ना, इसलिए कोई भूत वूत नहीं होता भाई। उन्होंने भगत सिंह को मारा, कम से कम भूत बन करके तो वो आ सकते थे और हमें आजादी दिला सकते थे। क्यों? श्रीलंका में कितने ही तमिलियन को मारा गया, उनमें से कम एक को तो वापस आकर अपनी मांगे पूरी करवा लेनी चाहिए थी कि नहीं? कहां है वो भूत, कहां है? आया कोई, कोई आया क्या, बताना कहां है ये भूत? इसे छोड़ो, पिछले हफ्ते मैं और बॉस कोडाई कोलन गए थे, वहां हम एक होटल में रुके, वहां एक खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट थी। हेलो सर, हमारे होटल में आपका स्वागत है, आपको यहाँ पूरा आराम मिलेगा सर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, 109 हाउसकीपिंग पर फोन कीजिएगा सर। वो बहुत सुंदर और मीठा बोलने वाली थी तो उस पर जॉन का दिल आ गया। मैंने बॉस को बोला, बॉस ने कहा हम दोनों उसके साथ ही रात रंगीन करेंगे। हमने उसे धोखे से एक कमरे में बुलाया, अब एक तरफ बॉस और दूसरी तरफ मैं। एक तरफ बॉस, वो फंस चुकी थी भाई। मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ सर, मैं इज्जतदार घर से हूँ सर, मेरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। ए, क्या रे, तुम जो करने जा रहे हो गलत है, मैं एक लड़की हूँ और ये पाप है, ये अत्याचार है, ये तुम्हें जीने नहीं देगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वो इधर उधर भाग रही थी, दो थप्पड़ हमने उसको मारा, फिर उसको निपटाया। वो तो जैसे मर गए। हमने चाकू उठाया और उसके अंदर घुसा दिया, फिर अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, मजा आ गया। कभी तुमने किसी का गला काटा है? काट कर देखना, बहुत मजा आता है। तो बताओ, क्या वो अधूरी इच्छा के साथ नहीं मरी? वो भूत बनकर वापस आई क्या? उसने भूत बनकर के मुझे डराया क्या, मारा क्या, बताना। हाँ, ये सब बकवास है भाई मेरे, कोई भूत प्रेत नहीं होता, ये सब झूठ होता है, इसलिए क्योंकि ये हमारे दिमाग का फितूर है। इसलिए ना आज के बाद भूत प्रेत से डरना नहीं, जिसके पास खले जाए उससे भूत डरता है। इस दुनिया में आदमी से बड़ा कोई भूत नहीं है, ये समझ लो तुम अच्छी तरह। तुम अब भी भूत से डर रहे हो क्या? क्या वाकई भूत नहीं होते? नहीं दोस्त,
भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। क्या हुआ उसे? इसकी सांसें देखो, हाँ चल रही है नहीं चल रही, धड़कने तो चल रही है इसकी, पानी लेके जिंदा है। अचानक से इसको क्या हो गया? ये तो ठीक ठाक था, जिंदा है, जिंदा है। लो पानी लो। तंबी 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 उठ, क्या हुआ? उठो तंबी, उठो, बोल क्यों नहीं रहा तू? तंबी क्या हुआ? तंबी समझ में नहीं आ रहा। तंबी क्या हुआ तुम्हें? तंबी तुम क्या हुआ तुम्हें? तुम होश कैसे हो गए तंबी? तंबी कुछ बताना तंबी। अरे बोल क्यों नहीं रहा कुछ? तुम ठीक तो हो ना तंबी? तंबी तंबी अरे क्या हुआ तुझे? अरे क्या ढूंढ रहा है? अरे तंबी तुम्हें क्या चाहिए? क्या हुआ तुम्हें तंबी? अरे क्या हुआ तंबी? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तंबी? क्या हुआ तुम्हें? अरे हे तंबी बोलना तंबी। अरे क्या देख रहा है उधर? ये ऐसे क्यों कर रहा है? क्या देख रहा है तंबी? तंबी कहाँ जा रहा है? अरे तंबी कहाँ जा रहा है? अरे बताओ इधर। अरे तंबी इसे क्या बोल रहा है? अरे हे तंबी क्या हुआ भाई? अरे तंबी बताओ तुम्हें क्या हुआ? तू अरे तो पागल तंबी जी क्या हुआ? अरे तुम क्या ढूंढ क्या हुआ बताओ ना तंबी। अरे बताओ तंबी तुम्हें क्या हो गया? तुम अजीब सी हवा क्या ढूंढ रहे तुम? अरे कुछ बताओ ना। अरे तंबी यार कुछ तंबी नहीं आ रहा। तंबी क्या हुआ तुम्हें? अरे तंबी अरे तुमसे क्या हुआ है? तंबी मेरी बात सुनो तंबी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तंबी। अरे तंबी बोलना। ए तंबी तंबी अरे किधर जा रहा है? अरे क्या हुआ तुझे तुम्हें? तंबी बोल तंबी। अरे इधर जा रहा है तू? ये ऐसे क्यों कर रहा है? अरे ये क्या नाटक है यार? कहाँ जा रहा है भाई? क्या नाटक है यार? तंबी कहाँ जा रहा है? तंबी अरे बोल ना तंबी। तंबी अरे कहाँ इधर कहाँ? तंबी तुम्हारा क्या हुआ तुझे? तुम्हारे ये जो भी नाटक है ना तंबी, तंबी इसे अभी बंद कर दो। अरे दरवाजा क्यों खोल रहा है तंबी? मेरी बात सुन रहा है? मेरी बात सुन रहा है तंबी? क्या हुआ मुझे साफ साफ बताओ। क्या हुआ तुम्हें? मैं तुमसे कह रहा हूँ अंदर आओ। तंबी तंबी आइए सर। तंबी तंबी क्या हुआ तुझे? तंबी तंबी दरवाजा तो खोल दिया। तंबी कहाँ जा रहा है? अरे मेरे समझ नहीं आ रहा कुछ। तंबी लेकर जा रहा मुझे काम? मुझे डर लग रहा तभी, मुझे डर लग रहा बहुत। तभी इधर क्या है इधर? मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी अंदर चलो अंदर। तभी अंदर चलो। अरे अरे इधर क्या है? तभी इधर क्या है? तभी अरे तभी कहाँ लेके जा रहा है मुझे? क्या है इधर? तंबी क्या ले जा रहा मुझे? तंबी तंबी क्या ले जा रहा मुझे? तंबी एक चीज बोलो। हेलो ये कहाँ ले जा रही है ये? तंबी
सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर। ये लाश कैसे गायब हुई? यहाँ से दूर जाना है सर। ये लाश मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है सर। एक मिनट रुको, एक सर मैं बहुत डरा हुआ हूँ सर। सर मुझे यहाँ से जाने दो सर। सर मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। सर मुझे जाने दीजिए। रुको रुको, एक जाने दीजिए मुझे सर। सर जाने दीजिए। सर मुझे जाने दीजिए। हेलो हेलो सर, मैं अशोक बोल रहा हूँ। मैं अशोक बोल रहा हूँ। वो डेड बॉडी गायब हो गई जिसे हमने दफनाया था संजय। क्या मतलब है तुम्हारा? ए, इसलिए मैंने कहा था कि 5 फुट का गड्ढा खोदो। अगर 3 फुट का खोदा होता तो कुत्ते बॉडी ले जाएंगे। कुत्ता कहाँ है? मैंने तो उसे वहीं बांधा था। ए, तुम जाओ और बॉडी ढूंढो। मैं कहाँ ढूंढूं बॉडी? ए, तुम बहुत डरपोक हो। वो तंबी कहाँ है? तंबी बहुत डरा हुआ है, वो भागने की फिराक में है। ए, उसे बाहर में छोड़ो। क्यों संजय? वही एक सबूत बचा है, उसे लायक नहीं है। हम किसी ना किसी दिन इसकी वजह से पकड़े जाएंगे और हम सब खत्म हो जाएंगे। तो अब मैं क्या करूं? वही करो जो मैं कह रहा हूं। उसको अंदर बंद रखो। मैं बॉस से कहकर जॉन के हाथों उसे मरवा दूंगा। तुम सावधान रहना, ध्यान रखना उसका। अगर तुमने उसको जाने दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसे अंदर ले जाओ। तुम कब आओगे संजय? उसे अपने आस पास ही रखना। मैं आ रहा हूँ। कब आओगे तुम? मैं आ रहा हूँ। अरे तुम कब आओगे? मैं वहाँ 15 में पहुँच जाऊंगा। ठीक है ठीक है, ओके ओके। सर सर सर, मुझे यहाँ जाना है सर। अशोक सर प्लीज सर, अशोक सर मुझे घबराहट हो रही है सर। तभी कुछ भी नहीं हुआ, हमारा कुत्ता है यहाँ। वो यहाँ आया होगा और खींच कर ले गया होगा। मैं उसे ढूंढ लूंगा। संजय से बात हुई है मेरी। तभी तुम्हें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। बेखौफ होकर चलो। मैं कैसे आराम से चल रहा हूँ? सीधे होकर चलो, अंदर चलो, उधर बिल्कुल मत देखो। चलो चलो चलो, देखो। सर मैं नहीं आ सकता सर। ना तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, सीधे चलो तुम मेरे साथ। चलो चलो, क्यों डर रहे हो? चलो मेरे साथ। उधर देखो, उधर सामने देखो, उधर सामने देखो। सर मैं नहीं जाऊंगा सर। अब आ भी जाओ, मत डरो। संजय भी आ रहा है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, समझे ना? संजय भी आ रहा है सर। अरे आ भी जाओ, मत डरो सर। आओ सर, अंदर नहीं। सर तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने आने के लिए बोला। आओ सर, आओ तंबी। अरे आ जाओ, डरो मत। मैं कह रहा हूँ ना, आओ मेरे साथ, कम ऑन, आ जाओ। सर मुझे डर लग रहा है सर। सर मुझे डर लग रहा है सर। देखो इस कमरे में भगवान भी है। आओ 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 जल्दी आओ। ये देखो ये देखो देखो सर, देखो बैठो, नीचे बैठो, जाना है नीचे बैठो। ये देखो भगवान भी है सर, मुझे डर लग रहा है सर। इधर भूत नहीं आ सकता, समझे? ठीक है ना? सर मुझे डर लग रहा है सर। सर इधर देखो, मुझे जाना है। अरे मैं यहीं हूँ, अपना माथा दिखाओ दिखाओ, अब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? हाँ मैं आता हूँ अभी, मैं बाहर ही हूँ। अरे डरो मत सर, मुझे डर लग रहा है। मैं यहीं पर हूँ सर, मुझे डर लग रहा है सर, प्लीज छोड़ कर बचाइए। फिकर मत करो सर। सर सर सुनिए सर, हूँ ना मैं, टेंशन मत लो। सर सुनिए सर, आता हूँ अभी। खुद को समझता क्या है? अगर मेरे एरिया में होता ना, मेरे खिलाफ बोलता ना, तो इसे अभी के अभी गाड़ देता जमीन में। मेरा बॉस भी मेरे से बात नहीं करता। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा। फोन बज रहा है। ए जॉन। बोलिए बॉस। बात अंबी है ना, उसे खत्म कर दो। क्या हुआ बॉस? अगर हमने उसे जिंदा छोड़ दिया तो हम सब पकड़े जाएंगे। कुछ मत सोचो, खत्म कर दो उसे, बिना कोई सबूत के, अपने तरीके से। ठीक है? ठीक है बॉस। अब बजेगी इसकी पुंगी। भगवान मुझे बचा लो, भगवान भगवान मुझे ऐसे बाहर निकलना है। भगवान भगवान मुझे रक्षा करो, भगवान मुझे बचा लो, भगवान मुझे ऐसे निकलना है, मुझे नहीं नहीं
जॉन मुझे बताओ ना खत्म कैसे करोगे इसे। अरे जॉन जॉन तुम्हारा मूड ठीक तो है ना। ए, उठो 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 इधर आ जल्दी आ मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। अगर ये ऑर्डिनरी मर्डर होता ना तो मजा नहीं आता करने में। ये तो बहुत डरा हुआ है भाई, इसलिए हम इसे कुछ और तरीके से मारेंगे। कैसे? क्योंकि वो बहुत डरा हुआ है ना, उसने भूत देखा है ना। अच्छा सारे घर में उसको भूत से ही मरवा देंगे। बड़ा मजा आएगा भूत से। कैसे मरवाने में? मैं बताता हूँ, हम इस पूरे घर को अंधेरा कर देंगे। सारे घर से पहले हम सारे दरवाजे लॉक कर देंगे। ठीक है ओके। लॉक कर देंगे। चलो 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 चलो। वो दरवाजा इस पिछला दरवाजा। आहिस्ता आहिस्ता शोर मत करो। धीरे 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 चलो चलो धीरे चलो जॉन धीरे चलो। मैं बंद करता हूँ। और कौन से दरवाजा है? ठीक है बताओ। नहीं आ जाता ऊपर है। अच्छा ऊपर जाओ। आ जाओ ठीक है आराम से बंद करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ चलो चलो ऊपर में ये दरवाजा ऊपर में दरवाजा। आओ कोई आवाज मत करना धीरे धीरे जान धीरे धीरे। चलो इसे बंद करते हैं इसे भी बंद करते हैं। रुको 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 आजा आजा वो उधर है वहाँ दरवाजा दरवाजा। हाँ अच्छा आओ आओ तुम आओ बस यह खत्म है शुरू होना है। शोर मत करना जल्दी 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 नीचे चलो नीचे। क्या पता चला जाए अगला दरवाजा आना चाहिए था। हो गया सारा लोग उसे तरीके से मारेगा। जॉन उसे तरीके से मारेगा। अब जॉन उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। अब क्या भूत से मरवाएगा। अब समझ में आएगा उसे। तार ये लो, ए, ये लो। कोई तार है क्या? ये लो। लाना कोई तार। जा 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 ला। मैं लाता हूँ। ये रही, इतनी काफी होगी। मैं इसको वापस रख कर आता हूँ। पकड़ो चलो चलो किसके लिए जाओ तुम इससे क्या करोगे जाओ किस किस पे किस लिए ओके हो गया बस बस हो गया। एमसीबी है। एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर अरे मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। देखो यहाँ कोई प्लग है क्या? अब प्लग होगा अगर तुम इसको डालकर स्विच ऑन कर दोगे ओके, सारी लाइट चली जाएगी। उसके बाद स्विच ऑन करोगे तो आ जाएगी। जब मैं कहूँ तुम स्विच ऑन कर देना सिर्फ एक बार करना। इसके बाद कोई स्विच ऑन नहीं करना। बिल्डिंग की सारी लाइट चली जाएगी। अगर कोई स्विच ऑन भी करेगा तो भी लाइट नहीं जलेगी। ओके ठीक है सुनो तुम ऐसा करना साइड में जाकर तंबी 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 ऐसे करके चिल्लाना और मैं ऐसे चिल्लाऊंगा अशोक ओके अशोक और उस तरफ जाकर इस डर को जगा कर हम उसे अलग तरीके से मारेंगे मजे लेके। यस यस यस।
यमदूत आ गए हमारा साथ देने के लिए। यमदूत उसे लेने आ गए। चलो अब शुरू करें। जाओ जाओ ये सही है। सिर्फ एक ही डायलॉग है फिर भी दिल से बोल रहा है। मैंने सिर्फ एक डायलॉग तो दिया, तुमने उसे भी बर्बाद कर दिया। हमें किसी को भी एक्टिंग के लिए दाद नहीं देनी चाहिए, वो ऐंठ जाता है भाई। अगर वो एक डायलॉग भी चेंज करता तो वो दिल से ही बोलेगा। अब अपनी एक्टिंग दिखाना शुरू करते हैं। टाइम आ गया। अशोक 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 कोई आवाज नहीं आ रही है। डरपोक है, अपने आप को ऐसे मत छुपाओ भाई, बाहर निकल आओ मेरे भाई। अब मैं तुम्हें अनोखे अंदाज से मारूंगा मजे लेके। बाहर तो आओ। बाहर निकल भाई, कहाँ छुपी है रात कली? रात कली मेरी तुम भी। आज तेरे को सुता सुता के मारूंगा, लटा लटा के मारूंगा। तुम भी तेरे को तो आज मैं मारूंगा, क्योंकि मैं हूं जॉन परेरा। आजा आजा तुम भी, किधर छुपा मेरे बच्चे? भूत से डरता तू? आज तेरी बजाऊंगा मैं पुंगी। ओके तू, मैं डरता नहीं। डर गया? आराम से। कोई रास्ता होगा? कोई ना कोई रास्ता होगा। लेके जा रहे हैं सर, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? मुझे डर लग रहा है सर, मुझे डर लग रहा है सर। सर 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 दरवाजा बंद है सर, सर दरवाजा बंद है सर, सर सर दरवाजा बंद है सर, सर 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 अशोक सर कहाँ सर? अशोक सर कहाँ सर? सर मुझे डर लग रहा है सर, मुझे डर लग रहा है सर। कहाँ जा रहे हैं हम? सर हम कहाँ जा रहे हैं सर?
सर यह लाइट भी बंद है सर, मैं भी डरा हुआ हूँ, मुझे भी इससे बहुत डर लग रहा है सर, ये बहुत डरावना है, पता नहीं ये अंधेरा कैसे हो गया सर, मुझे डर लग रहा है सर, सर मुझे डर लग रहा है सर, सर 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 आराम से सर आराम से सर मुझे डर लग रहा है सर, डरो मत, मैं हूँ सर, सर डर लग रहा है सर, सर यहाँ देना बहुत है सर, सर यहाँ बहुत डरो मत, डरो मत, इस तरफ शायद कोई रास्ता होगा, देखते हैं सर कहाँ जा रहे हैं आप, सर आप कहाँ जा रहे हैं सर, कहाँ जा रहे हैं आप अंदर सर, मैं ढूंढ रहा हूँ ना, मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मेरे साथ ही रहना बस सर, सर तुम डरना मत, डरना मत तम्बी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ तम्बी, तम्बी सर, सर 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 कोई रास्ता होगा, कोई रास्ता होगा, भरोसा रखो, मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे हाथ से सर आराम से, सर आराम से, सर कहाँ जा रहे हैं, जाने दो यार, जिस तेजी से ये भाग रहा है ऐसा लग रहा है ये खुद ही टकरा कर मर जाएगा, ऐसा लग रहा है अब इसके साथ खेला नहीं जा सकता ज्यादा समय, और मजा भी तो नहीं आ रहा, अब तो मारना पड़ेगा, अशोक, हे हे अशोक, अरे उठना यार, अबे हे, मैंने तुम्हें उसे डराने को कहा था, तुम मुझे डरा रहे हो, हे हे देखो, हे हे अशोक, हे हे अशोक, क्या हो गया अशोक, हे उठना, ए अशोक, अशोक, हे कहाँ गए तुम यार, अशोक कहाँ हो, अशोक कहाँ हो, अशोक हे कहाँ हो यार, हे अशोक, अशोक, अशोक,
तम्बी क्या हुआ? क्या हुआ तम्बी? क्या हुआ तम्बी? सर सर वो लड़की, सर वो लड़की, सर लड़की का भूत, लड़की का भूत। तम्बी सर रुको, थोड़ा थोड़ा रुको, इंतजार करो तम्बी। रुको रुको तो सही, एक मिनट रुको, रुको तो सही तम्बी, एक मिनट। डर लग रहा है सर, सर मुझे डर लग रहा है सर, मुझे छोड़कर मत जाओ सर, सर मुझे छोड़कर मत जाओ सर। उसको यहीं रहने दो, तुम चलो। देखो कोई प्रॉब्लम है तो भी बता दो, मुझे बताओ ना। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, कार में रुको, समझी? पूछ रही हूँ, समझे? बस थोड़ा इंतजार करो। कार में रुकने के लिए क्यों कह रहे हो? थोड़ा रुको, मैं देखता हूँ क्या हुआ। लाइट भी आ गई, तुम्हें बोला ना कार में इंतजार करो। लाइट नहीं होने से वो डर गया था, अब कह रहे हो कि तुम अंदर जाकर देखोगे, प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं है, थोड़ा इंतजार करो, मैं आता हूँ। देखो तुम्हें मेरा मार्केट रेट के बारे में तो पता है ना? हाँ पता है, पता है। रेगुलर रेट से ज्यादा लूंगी आज, और शांति रखो। और अंदर बाकी सब इंतजाम किया हुआ है ना, मैं जल्दी निकलूंगी आज। मैं अंदर जाता हूँ और तुम्हें बुला लूंगा, मैं बुला लूंगा, तब तक वेट करना, ठीक है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ शांति से बैठो, मैं अंदर जाता हूँ, देखकर फिर तुम्हें कॉल करता हूँ, तब तक इंतजार करो। अगर यहाँ सेटिंग नहीं होती है तो हम कहीं और बाहर जाएंगे, तुम शांति से बैठो, तब तक मैं आता हूँ, ओके? मैं जल्दी आऊंगा, दरवाजा बंद कर लो। मैं अंदर गया और वापस आया, तुम दरवाजा बंद कर लो, चलो। सर सर जल्दी आइए, सर सर जल्दी आइए, सर देखिए दरवाजा बंद हो गया खुद, सर जल्दी आइए, सर जल्दी आइए, सर सर मैंने आपसे कहा था जल्दी आइए सर, सर 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 देखिए गेट खुद बंद हो गया सर, सर जल्दी दरवाजा खोलिए सर, मुझे बचा लीजिए सर, सर सर दरवाजा खोलिए, आप कहाँ जा रहे हैं? सर सर दरवाजा खोलिए, सर सर दरवाजा खोलिए जल्दी से, सर सर जल्दी खोलिए आप, सर 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 क्या हुआ? सर अंदर भूत देखा, सर अंदर भूत है, सर अंदर भूत है सर, सर अंदर भूत है सर। और बताओ प्रॉब्लम क्या है? सर मुझे, मैं अंदर नहीं जाऊंगा सर, सर अंदर भूत है सर, मेरे साथ मुझे सब पता है, तुम बार बार वही कह रहे हो जो मुझे बता चुके हो, मेरा विश्वास कीजिए सर, बहुत सुन ली तुम्हारी, कहाँ है भूत दिखाओ मुझे, उठो उठो दोस्त, अंदर चलो चलो और मुझे बताओ कहाँ है भूत, कहाँ देखा था तुमने? क्या यहाँ देखा था? कहाँ देखा था भूत? बताओ बताओ मुझे, सर उधर देखा था, कहाँ देखा था भूत तुमने? सर देखा था मैंने, चलो दिखाओ मुझे, सर ऊपर भूत है, मुझे नई नई कहानियाँ सुना रहे, भूत प्रेत है, भूत है यहाँ पर, सर मैंने सबके ऊपर भूत देखा था सर, चलो सुनो सर, मत कीजिए आप सर, आओ सर
आओ दिखाओ भूत कहाँ है, दिखाओ मुझे। सर ऊपर था, क्या था, कहाँ पर है, दिखाओ मुझे। सर मेरा विश्वास कीजिए, अंदर भूत है सर। चलो अंदर चलो, इधर इधर आइए सर। सर इधर इधर, कहाँ पर है भूत सर, मैंने यहाँ देखा था सर। सर मैंने यहाँ देखा था, मुझे रो मत, चुप हो जाओ, रो मत, दिखाओ मुझे पहले भूत। मैंने यहाँ देखा था। अशोक को सता रहा था, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पे, यही पता, वहाँ पे, वो, यहाँ पर, अशोक, सर यहाँ पर था भूत सर, अशोक, सर सामने था, ओ अशोक, कहाँ है, कहाँ है भूत, सर, कहाँ है अशोक, सर यही था, कहाँ पर, विश्वास कीजिए, कहाँ है, सर मैंने मेरे मैंने देखा था सर, सर मैंने यही देखा था सर, मेरा विश्वास कीजिए, अशोक के अंदर था, अंदर था, सर आराम से, आराम से सर, सर आराम से, अंदर चलो। तुम वहाँ क्या देख रहे हो, यही था अशोक, सर मेरा विश्वास कीजिए यही था, कहाँ है अशोक, सर मेरा विश्वास कीजिए यहीं पर भूत था, अशोक, अशोक सर आराम से, सर आराम से, सर आराम से, जॉन, सर सर आराम से, शुरू करूं। अशोक की वॉच, क्या हुआ सर, क्या हुआ सर, अशोक सर क्या हुआ, जॉन सर, अशोक क्या हुआ सर, सर क्या हुआ, नहीं, 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 तुम क्यों वहीं क्यों देख रहे हो, क्या देखा तुमने, क्या वहीं थी, क्या देखा वहीं थी सर, वहाँ थी तुम्हें, मुझे पागल मत समझ, हाँ तुझे नहीं तो सही कर दूंगा, इस तरह से बड़बड़ा मत, मुझे क्या बड़बड़ा जा रहे हो सर, मैंने देखा उसे, तुमने क्या देखा, मैंने देखा उसे सर, हे सर मार मार के सही कर दूंगा, आता ना सर, सर 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 अंदर मत जाओ सर, अंदर मत जाओ सर, सर क्या भूत, क्या प्रेत, सर अंदर भूत मत जाओ, अंदर सर, सर सर हट जाओ सर, मैं सर को पागल बना रहा है सर, अशोक, 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 जॉन, जॉन, जॉन मुझे परेशान मत करो, जॉन जॉन, कहाँ छुपे हुए जॉन, जॉन अशोक, अशोक कहो,
अशोक। अशोक 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 कहाँ हो अशोक? हे मुझे टेंशन मत दो, हाँ मुझे मालूम है तुम यहीं कहीं हो। बाहर आ जाओ अशोक। अशोक 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 जॉन जॉन अशोक कौन है वहां सामने आओ। अशोक जॉन 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 सर सर इधर आइए सर, यहां आइए मुझे बचाइए सर सर बचाइए मुझे सर तुम्हें सर बचाइए तुम्हें तम्बे थे तम्बे तम्बे जॉन अशोक 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 John! John!
अशोक 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 कहाँ हो? अशोक किधर हो? अशोक किधर हो? किधर हो तुम? कहाँ हो अशोक? अशोक 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 कहाँ पर हो तुम अशोक? जॉन कहाँ पर हो? जाओ अशोक John! John! Ashok! John! Ashok! Hey, Zulu! Hey! Hey! Yeah. जॉन हे अशोक किधर हो तुम दोनों? ये 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 जॉन John. 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 Ashok. 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 Ashok.
संजय। क्या हुआ? ऐसे लग रहा है जैसे कोई भूत देखा हो। अरे मैं हूँ, क्या मेरा मेकअप इतना बुरा है? ओहो छोड़ो उसे, वो तो 5 मिनट का कह कर गया था, कितनी देर हो गई इंतजार करते हुए, सारा टाइम वेस्ट हो गया। जानते हो ना मैं कितनी बिजी हूँ? हाँ मुझे कार में बिठाकर अंदर कर क्या रहे थे तुम लोग? हाँ बोलो, बताओ ना संजय सर। संजय सर, सर संजय सर, संजय सर, संजय सर यहाँ पर तो नहीं है, पता नहीं कहाँ है, कहाँ ढूंढूं? संजय सर यहाँ पर भी नहीं है। अरे लो उन्होंने तो सारी बॉटल्स खोल दी। बॉटल ठंडी नहीं है। शिट। क्या सर ऊपर बिजी हैं? अरे बताओ भी, पूछना ही बेकार। हाय रेडी सर। हेलो। हेलो रेडी सर। अभी तुम कहाँ हो? जी आपके एरिया में ही हूँ। अभी आ सकती हो क्या? हाँ मैं आ सकती हूँ। तुम कितनी देर में पहुँच सकती हो? 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी। तो फिर कार?
नहीं कार की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ जाऊंगी। खुद पहुंच जाओगी ना? हाँ हाँ, ओके ओके बाय। देखो सिर्फ 2 मिनट ही बचे हैं, इतने टाइम में जो तुम करना चाहते हो मेरे साथ कर सकते हो, पर पैसे पूरे देने होंगे। क्या यार, कुछ तो बोलो, कुछ सुनाई भी दे रहा है तुम्हें? बाय। क्या हुआ? नहीं नहीं, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए।
जाओ जॉन, तुमने कर दिया ना, आज तक तुमसे कोई काम नहीं बच पाया। तुम तो पहुंचे हुए खिलाड़ी हो जॉन, तुम मस्ती कर रहे हो ना, ओके ओके मजे करो। बच्चे का नाम क्या है? बोलो अब्दुल कलाम, बोलो अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, ये तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मैं कुछ बच्चों के विटामिन्स लिख रही हूँ, एक हफ्ते इसे पिलाओ, सिर्फ विटामिन की ही कमी है। थैंक यू डॉक्टर। पहली नवंबर 2011 कूड़े में फेंकने वाली दवाइयां खरीदते हैं और उनके लेबल बदलकर मार्केट में उन्हें नई दवाइयों के साथ मिलाकर बेचते हैं लोग। बच्चों की जिंदगी आज खेलने वाला हरामी हो, तुमको छोड़ूंगा नहीं। Yeah.
और हरामी कुत्तों, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। बच्चों की जिंदगी से खेलते हो, पैसा कमाने के और भी तरीके हैं। बच्चों की जिंदगी से खेलते हो तुम, उनसे पैसा कमाते हो जो दवा बच्चों के लिए होती है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, देखो कितना कर दोगे तुम। मरो 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 तुम सब मरो मरो। मरो तुम। नहीं 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 छोड़ो। अरे बच्चों को मारा तूने, मारो 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 हाथी मारो। मारो तड़प तड़प के मारो, तुम भी मारो। खाकर मेरा बच्चा मर गया, इन लोगों को मत छोड़ना। हम कर भी कह सकते हैं, हम कहां जाएं? इनको भी ऐसे ही तड़पा कर मारना जैसे मेरा बच्चा मरा है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो दूसरे बच्चे भी ऐसे ही इनके एक्सपायर दवाओ से मरते रहेंगे। तुम आ रहे हो या नहीं? मैं नहीं जाऊंगा। माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में, वो अपने बच्चे के जाने का दर्द समझ सकती है। मैं खुद जाऊंगी, देखूंगी कि मैं क्या करूंगी उनके साथ। ऐसे ही बोलो तुम लोग। Ha ha ha.
सर मैं इंस्पेक्टर पेरुमल बोल रहा हूँ सर। मैंने अपनी रिपोर्ट को इस तरह से बनाया है कि बच्चे इस दवा की वजह से नहीं मरे। यही नहीं सर, मैंने ये भी लिखा है कि बच्चा लावारिस था और वो मुस्लिम लड़की जिसको आपने मारा था वो इस दुनिया में नहीं है। उसने एक हिंदू लड़के के साथ लव मैरिज की थी, उसकी वजह से उस जोड़े को अपने काम घर से पहले ही भागना पड़ा था। इसलिए लड़की के बारे में कोई नहीं पूछेगा। उसका पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो डमी जैसा है। वो परसों पुलिस स्टेशन आया था और हेड कांस्टेबल को धमका रहा था वो लड़की के कत्ल का इल्जाम उस पर डाल देगा, तो वो शहर छोड़कर भाग गया। वो तो अब आने वाला नहीं है सर, और अगर आ भी जाता है तो केस हम उसके नाम कर देंगे। सर अब आप मेरा मेहनताना मुझे दे दीजिए, मैं इसीलिए गेस्ट हाउस आया हूँ। सर वो सेवा पानी कर दीजिए तो मैं चला जाऊँ। क्या आप आ रहे हैं ना सर? मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, और तुझको लड़के लगे तो मैं क्या करूं? और मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, और तुम लड़की लगे तो मैं क्या करूं? बेचते थे वो और एक पुलिस वाला कल रात मारे गए हैं। आज सुबह उनका लीडर भी मारा गया है। कातिल ने अपने आप को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसने बताया है कि एक्सपायर्ड दवाइयों की वजह से उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। उसकी तरह किसी और की फैमिली बर्बाद ना हो इसलिए उसने ये कदम उठाया। उसने आंखों में आंसू लिए भारत सरकार से इन दवाइयों पर कंट्रोल करने की प्रार्थना की है। जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने शराब के बिकने वाली दुकानों पर कंट्रोल किया है, ऐसे ही एक्सपायर्ड मेडिसिन को कंट्रोल किया जाए। इस घटना ने पूरे समाज के लोगों को हिला कर रख दिया है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है, हम बरसों से फुटपाथ पर रह रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए नहीं, फिर भी हमने कभी बच्चों की दवाइयों से समझौता नहीं किया। ये बेशरम लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए बच्चों की जिंदगियां ले लेंगे। इन्हें तो कोर्ट में घसीटा जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग इनको काट कर फेंक देंगे, तभी दूसरे लोग इस तरह का अपराध करने से बचेंगे।